अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने दम का कीमा तो खाया होगा, लेकिन दम का गोश्त इससे पहले आपने अगर बनाया है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं आज दम का गोश्त बना रही हूँ। दम का गोश्त बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है बगैर हड्डी का, आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। गरम मसाला पाउडर की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद जीरा डाल रही हूँ, ये चॉप किया हुआ लहसुन है, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। मैं भर के 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये अदरक का पेस्ट है, 3 चम्मच मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 300 ग्राम दही डाल रही हूँ मैं। दही को मैंने फेंट लिया है। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारे गोश्त की बोटियों पे मसाला लग जाए। ये देखें, सारे गोश्त के ऊपर मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। इसे कम से कम 2 घंटे तक मैरिनेट करना ज़रूरी है। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें। 1 कप सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये वनस्पति घी है, आप असली घी भी डाल सकते हैं या फिर आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। घी मैंने इसलिए डाली है कि इसके अंदर खुशबू आ जाए। आप सरसों के तेल की जगह पर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तेल थोड़ा गर्म हो जाए। तेल गरम हो गया है, ये मैंने 5 अदद प्याज लिए दरमियानी साइज़ की, उसको स्लाइस कर लिया है, ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज देखें लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये 8 टेबल स्पून ये पिसा हुआ खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूंगी, 5 से 10 सेकंड इसे भून लूंगी। बस कोकोनट को जलना नहीं चाहिए, बस लाइट गोल्डन हो जाए। ये देखें कोकोनट हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इस टाइम पे जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था गोश्त वो डाल दूंगी। चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिस बर्तन में मैंने मैरिनेट किया था उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर सारा मसाला मैंने निकाल लिया है, ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 7 अदद हरी मिर्चें डालूँ, ये मोटी वाली मिर्च है, ये थोड़ी कम मिर्च है। अगर आपकी मिर्चें तेज़ हैं तो थोड़ी कम कर सकते हैं आप, या अगर आपकी हल्की मिर्चें हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1 लीटर तक पानी डाल दूंगी। पानी इतना डालें कि गोश्त गल जाए और थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए। बीच में मैं चेक कर लूँगी, अगर पानी कम होगा तो मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर दूँगी। इसके अंदर उबाल आने देंगे, फिर उसके बाद इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इसे मैं कवर कर दूंगी। अगर आपके बर्तन में कवर नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं या आटे से आप बंद कर सकते हैं। इसके होल के अंदर मैं ये लौंग फंसा दूंगी ताकि इसके अंदर से भी स्टीम बिल्कुल ना निकले। बस इस तरह करना है कि स्टीम ना निकले। उबाल आने के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल दम की आँच कर दूंगी और गोश्त को गलने तक पकाऊंगी। बीच में मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि गोश्त कितना गला है। चलें मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, इसे चेक कर लेते हैं गोश्त गला है या नहीं गला है और पानी इसके अंदर कितना है। गोश्त के अंदर अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा इसे और पकाना होगा। पानी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी इसके अंदर। तकरीबन 1 कप मैं पानी और डाल रही हूँ। पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। इसे बीच में चेक करना इसलिए ज़रूरी था कि बाद दफ़ा गोश्त जो है वो छोटी गाय का होता है तो जल्दी गल जाता है,
और बार दफ़ा थोड़ा देर से गलता है, तो चेक करने से ये हुआ कि हमें अंदाज़ा हो गया कि गोश्त को गलने में अभी कितना और टाइम लगेगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त को चेक कर लेते हैं, ये देखिए गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा ड्राइड पुदीने के पत्ते हैं, यानी सूखे हुए पुदीने के पत्ते हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी खुशबू के लिए ये डाल रही हूँ और थोड़े से धनिया के पत्ते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसका शोरबा आप अपनी मर्जी से पतला और गाढ़ा कर सकते हैं, कुछ लोगों को गाढ़ा शोरबा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है। इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर मज़ेदार है। इसके ऊपर मैं लेमन का रस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर लेमन का रस डाल के खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैं आपको चपाती के साथ इसको खा के बताती हूँ। ये देखिए गोश्त इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा नरम है, और खाने में तो ये क्या ही बात है, बहुत ही लाजवाब है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।